सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पावन पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी आज के समारोह में उपस्थित, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश श्रीवास्तव जी, श्री सुरेश तिवारी जी, श्री नीरज बोरा जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी और भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भारत माता के महान सपूत, भारतीय राजनीति में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के बारे में एक स्पष्ट और पारदर्शी सोच को स्थापित करने वाले सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 53 वर्ष पूर्व आज ही के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने भौतिक काया को छोड़ करके हमसे अलग हुए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनके विचारों के माध्यम से, उनके विचार दर्शन के माध्यम से निरंतर पार्टी को और समाज को अनुप्रेरित करती रही और आज उसी का परिणाम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस अंतोदय और एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा प्राप्त करके आज केंद्र और प्रदेश सरकार देश के गांवों के बारे में, देश के गरीब के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, समाज के प्रत्येक कि वास्तव में कोई राजनीतिक दल ऐसा भी होगा कि जो केवल बोलने में नहीं बल्कि जो बोला जाए उसका ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन भी हो सके, इसको ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। और यही तो हुआ है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की कमान संभालते हैं तो उस समय उन्होंने एक ही बात कही थी, लोग मानते थे मोदी जी आएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, मोदी जी आएंगे देश के अंदर पता नहीं कैसी स्थिति पैदा होगी। लेकिन पहला ही वक्तव्य मोदी जी का जो आया था, वो वक्तव्य आया था कि मैं इस देश के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य करूंगा और शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाऊंगा। मोदी जी ने 26 मई 2014 को जो बात कही, 26 मई 2014 को कही गई उनकी बातें आज उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं के माध्यम से देखने, समझने और सुनने को मिलती है। कोई सोचता था भारत जैसे देश में
छह वर्ष के अंदर 2 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा। कोई सोचता था 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिल जाएगा, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर मिल पाएंगे, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाएगा, 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल पाएंगे। देश की आधी आबादी 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर पाएगी। हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लक्ष्य को लेकर के जल जीवन मिशन लागू हो पाएगा। 1947 से लेकर के 2014 तक एक सपना था, लेकिन 2014 के बाद हमने अपनी आंखों से इसको हकीकत में बदलते हुए देखा। यह हकीकत जिसे आज व्यवहारिक रूप से मोदी जी धरातल पर उतार रहे हैं, इसकी प्रेरणा के असली स्रोत कोई है तो वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वह सोच और दर्शन, जिसमें उन्होंने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए घोषणाएं की थी, और जिसके लिए उन्होंने उसका एक विचार व्यक्त किया था, भारतीय जनसंघ कैसे काम करेगा, भारत की आर्थिक नीतियां किस पर केंद्रित होनी चाहिए, भारत के अंदर हम किस प्रकार की। हर कण में शुद्धता घुल के बन जाए सागर, सागर। 1 किलोग्राम सागर पाउडर मिल्क से बने 10.5 लीटर